हल्द्वानी में रविवार को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहर के प्रमुख मार्ग मंडी से लेकर नरीमन चौराहे काठगोदाम तक सड़क सुधारीकरण कार्य का शुभारंभ किया। काठगोदाम कॉलटेक्स से केंद्रीय मंत्री ने 9 किलोमीटर लंबी सड़क की लगभग 10 करोड़ की लागत से सुधारीकरण कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत थी, जिसे NH विभाग को हस्तांतरित किया गया, जिससे कि सड़क की मरम्मत समय समय पर हो सके। इसके अलावा मंडी से तीन पानी तक भी सड़क इसी प्रकार मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत चौड़ी और सुंदर बनाई जाएगी। शुभारंभ के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को सड़क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहर के चौमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर बजट दे रही है। इसके अलावा शहर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए 82 लाख रुपए फ्लाईओवर के सर्वे कार्य के लिए जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही अधिकारियों और व्यापारियों के बीच समन्वय की स्थिति बनाकर फ्लाईओवर कार्य को भी तेजी से किया जाएगा। अभी 12 करोड़ का जो हमारा 2 लेन बन रहा है, सड़क पहले से बना है, तो इस पर हम डामरीकरण सुदृढ़ीकरण, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी, NHAI से लाके हमने PWD को ट्रांसफ़र किया है। दिशा की बैठक में ये तय हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जो मंडी से तीन पानी तक 2 किलोमीटर और होगा, वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में करवाया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, वो भी इसी के अनुरूप होगा। इसी तरह से वो भी इसी प्रकार की सड़क बनेगी जैसी कि ये नगर में बन रही है। तो ये पूरा 10 किलोमीटर का मार्केट जो है ये देखने लायक होगा, बहुत अच्छा बनेगा। और साथ में अभी 82 लाख रुपए फ्लाईओवर के लिए जो हमने दिलवाए थे वो यहाँ डिपार्टमेंट को मिल गए हैं, उसका फर्स्ट फेज का सर्वे भी हो गया है। अभी यहाँ के व्यापारी भाइयों से और अन्य भाइयों से, सारे लोग जितने भी हैं यहाँ, तो उनके साथ बैठक होनी है विभाग की, ताकि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन डिपार्टमेंट भी साथ में रहेगा उसमें, और वायर जिनके बिस्ते हैं नीचे, बिजली विभाग भी रहेगा, पेयजल की पाइपलाइनें हैं वो भी, वो लोग भी रहेंगे, कहीं टूट फूट होगी तो एकदम रिपेयर भी करेंगे। सभी डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, लगातार हमारा काम चल रहा है। और जमरानी बांध जो है वो फाइनल स्टेज पर है, मैं लगातार 3 साल से उसको, 3.5 साल से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अब सिर्फ कैबिनेट की अप्रूवल मिलनी बाकी रह गई है। कैबिनेट के पास वो कभी ना किसी भी समय कैबिनेट में पास होने के लिए जा सकता है।